हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो जाएगी और उसे टाइम से खाओगे तो आपका शुगर जड़ से ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसी पौधे के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, आयुर्वेदिक प्लांट बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं एक एक करके सभी पौधे के बारे में आपको बताऊंगी कि वो कैसे खाएं। ये दोस्तों इंसुलिन का प्लांट है, ये शुगर वाले लोगों के लिए वरदान है। इसे खाने से आपका शुगर बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है और इसे लगातार खाएंगे तो आपका शुगर जड़ से भी ख़त्म हो जाता है। ये वाला पौधा दोस्तों नर्सरी में बहुत सारे कस्टमर लेकर जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस पौधे के बारे में जानकारी ही नहीं है कि इस पौधे को खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये एक पौधा हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस बीमारी में काम आता है वो है डायबिटीज़ की बीमारी, जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। ये आज का पहले ये बीमारी आपको 35 से 40 साल के बाद ही शुरू होता था, लेकिन आज शुगर की बीमारी छोटे बच्चों में भी हो जा रही है। हम कुछ खराब खा लेते हैं और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पेन क्रियाएं अच्छे से नहीं हो पाती और हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता, जिसके कारण डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। इसे कैसे खाते हैं ये भी मैं बताऊंगी और इसे हम कैसे लगाएं कि ये जल्दी से घना हो जाए और अच्छे से बढ़ जाए ताकि हम डेली खा सकें। ये दोस्तों मैंने इस गोल वाले पॉट में लगाया है, तो देखो ये कितना ही जल्दी घना हो गया है और पूरा गमला भर गया है। अक्सर कस्टमर यही पूछते हैं कि इंसुलिन का पौधा हम किस तरीके से लगाएं कि जल्दी तैयार हो जाए और घना हो जाए और हमें डेली खाने को मिले। तो आज मैं यही बताऊंगी कि इसे हम लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और इसके खाने के बारे में भी मैं बताऊंगी कि किस हिसाब से इसको खाया जाता है। अगर दोस्तों इस पत्ते को आप डेली खाते हो तो आपका शुगर 25 दिन में एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, और ये पत्ते को अगर लगातार आप खाते रहोगे तो 5 महीने में आपका शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खाने का सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह खाएं। पहले मैं ये बताती हूँ कि इस पौधे को आप पॉट में किस तरह लगाएंगे कि ये जल्दी बढ़ जाए और घना हो जाए। ये 12 इंची का पॉट है, इस पॉट में हम इसको लगाएंगे। इंसुलिन का पौधा छोटे गमले में लगा है, इसलिए ये अच्छे से बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए इसे हम बड़े गमले में लगाएंगे। और ये 12 इंची का गमला है, इसी में हम इसको लगाएंगे। और इसके लिए आपको ये बारीक वाली काली मिट्टी ले लेनी है, जो एकदम बारीक रहे, क्योंकि बारीक रहने से इसका जड़ आसानी से फैल पाता है। और उसके बाद इसमें ये भूसी मिला देना है, जो इसकी जड़ों को आसानी से बढ़ाएगा और मिट्टी आपस में कभी भी चिपकेगा नहीं। ये आपको गोबर खाद ले लेना है सूखा वाला, और वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। ये पौधे को बहुत ही जल्दी बढ़ाता है और हरा भरा रखता है। उसके बाद आपको ये मस्टर्ड केक ले लेना है, यानी सरसों की खल्ली। इसमें से हम थोड़ा सा मिलाएंगे, इससे डालने से पौधा बहुत ही जल्दी बढ़ता है और ग्रो करता है। उसके बाद दोस्तों ये सुपर है, सुपर यानी कैल्शियम देता है पौधे को। ये हम इस मिट्टी में थोड़ा सा मिला देंगे ताकि पौधे को जल्दी बढ़ाने में मदद करता है ये सुपर।
ये देखिए ये मिट्टी हम डाल देंगे। मिट्टी में हम इसको थोड़ा सा भूसी मिला देंगे और भूसी मिलाने के बाद हम इसमें गोबर खाद मिला देंगे। और गोबर खाद मिलाने के बाद और इतना सरसों ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा एक चम्मच के बराबर लेना है और इसमें लगा देना है। और उसके बाद हम ये सुपर पाउडर इसमें मिलाएंगे ताकि पौधा अच्छे से बढ़े, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तब जाकर हमारा पौधा जल्दी तैयार होगा और अच्छे से बढ़ेगा। आप लोग कैसे भी मिट्टी में लगा देते हैं पौधा, जिसके कारण आपका पौधा जल्दी बढ़ नहीं पाता और घना नहीं हो पाता और खाने में भी दिक्कत होता है। जब पौधा बढ़ेगा ही नहीं तो आप रोज़ उसे खाओगे ही कैसे। तो इसको हम ऐसे ही गमले में लगाएंगे, और गमले में होल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चेक कर लेंगे, गमले में नीचे छेद होना ज़रूरी है। और इस पौधे को हम इसी तरह धीरे धीरे हिला लेंगे गमले से, ये देखिए। और इसको हम बड़े वाले गमले में ऐसे लगा देंगे, और इसके साइड से ऐसे हम चारों तरफ से मिट्टी को डाल देंगे। और लगाते समय याद रखेंगे कि जब ये लग जाएगा तो आपको इसको चारों तरफ मिट्टी को ऐसे जड़ को अच्छे से दबाना है। तैयार हो गया है और इसके जड़ को अच्छे से ऐसे नीचे से यहाँ से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए और अच्छे से बढ़ेगा। और इसे लगाने के बाद आपको अच्छे से इसमें पानी डाल देना है। पानी आपको रोज़ रोज़ नहीं डालना है, रोज़ रोज़ पानी डालोगे तो ये जल्दी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी लगता है। तो इसको अच्छे से आप पानी डाल देंगे इसी तरह। और दोस्तों इसमें आपको 2 से 3 दिन में पानी डालना है, और इसको आपको धूप में नहीं रखना है, इसको आपको छांव में ही रखना है, जहां हल्का फुल्का धूप आता हो वहीं पे रखना है। और दोस्तों इसे आपको खाली पेट रोज़ इसका एक पत्ता तोड़कर खाली पेट चबा चबा कर खाना है। और खाते समय याद रखेंगे पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर आप पानी पियोगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। तो आप काढ़ा बनाकर पियोगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसका डेली 2 पत्ते लीजिए और इसका काढ़ा बनाइए और गरम गरम पानी में पीजिए। आप लगातार पियोगे तो 5 महीना में आपका शुगर एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसके पत्ते को जब भी आप खाएंगे दोस्तों तो पानी बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। इसको खाने के आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना है, तभी ये पत्ता आपको काम करेगा। अगर तुरंत पानी पी लोगे तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। ये इंसुलिन का पौधा दोस्तों हमारे शरीर में नेचुरल केमिकल बनाता है जो ब्लड बनाने में काम करता है, और ये पत्ता हमारे शुगर को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए आप लोग भी ये इंसुलिन का पौधा नर्सरी से ज़रूर ख़रीदें, और ख़रीद के आपको इसी तरह लगाना है ताकि आपका ये इंसुलिन का पौधा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए और ऐसे ही घना हो जाए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं इसी तरह आयुर्वेदिक प्लांट के बारे में बताती रहूँगी और उसको कैसे खाना है ये भी बताऊँगी। आप लोग घर में ही बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकते हो आयुर्वेदिक प्लांट से। और दोबारा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हमारी नर्सरी से लोग बहुत सारे मेडिकल प्लांट खरीद कर ले जाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं, बस उन्हें लगाने का सही तरीका आना चाहिए।